मैनपुरी में रविवार को थाना एलाऊ पुलिस को सूचना मिली। थाना क्षेत्र के गांव मेरापुर गुजराती के समीप कुछ बदमाश स्कॉर्पियो कार ले जा रहे हैं। आनंद फानन में थाना एलाऊ भोगांव किसनी कोतवाली कुसमरा आदि कई थानों की पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई। पुलिस ने घेराबंदी कर स्कॉर्पियो सवारों को रोका तो बदमाश पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। अपने बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 2 दर्जन से अधिक राउंड गोलियां चली। बदमाश खेतों की तरफ भागने लगे। पुलिस फायरिंग के दौरान बदमाशों के पैरों में गोली लगी। वहीं थाना अध्यक्ष एलाऊ सुनील भारद्वाज बदमाशों का पीछा कर रहे थे तभी उनके पेट में गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण बाल बाल बचे। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित व अपर पुलिस अधीक्षक विजय पाल सिंह मौके पर पहुंच गए। स्कॉर्पियो कार की तलाशी ली गई तो उसमें तांबे के तार से भरी बोरियां रखी थीं। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाशों से पूछताछ की तो अपना नाम सुखबीर पुत्र विष्णु दयाल निवासी सुजातपुर थाना कंपिल जिला फरुखाबाद व दूसरे बदमाश ने अपना नाम सत्येंद्र यादव पुत्र लाखन सिंह मेरापुर फरुखाबाद बताया। सुखबीर पर 25,000 का इनाम है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एटा कन्नौज मैनपुरी फरुखाबाद कासगंज आदि जनपदों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उक्त आरोपियों के द्वारा बीते 21 अगस्त को थाना एलाऊ क्षेत्र के मचना बिजली से 10 क्विंटल तांबे का तार चोरी किया था जिसमें 4 आरोपी शनिवार को थाना एलाऊ पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे। गोली लगने से घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बदमाशों के पास से 2 .357 बोर तमंचा 6 जिंदा कारतूस व खोखा बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने इस मामले में क्या कुछ कहा आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कि रात में बिजली घर पे कर्मचारियों को कमरे में बंद करके और वहां से 12 क्विंटल तांबा चोरी किया गया था। इस संबंध में 13 लोगों का गैंग प्रकाश में आया था जिसमें से 4 लोग पकड़े गए। 2 व्यक्तियों के बारे में सुखबीर और सतेंद्र के बारे में जानकारी मिली कि स्कॉर्पियो गाड़ी से आज ये तांबा बेचने ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। पुलिस द्वारा उनको रोका गया। रोकने पर उनके द्वारा पुलिस बल पे फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिसमें 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए, एक सुखबीर और सतेंद्र यादव। सतेंद्र और सुखबीर दोनों ही शातिर अपराधी हैं। इनके ऊपर 20-30 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है। सतेंद्र के ऊपर पहले से कुल 13 मुकदमे हैं और सुखबीर के ऊपर कुल 2 मुकदमे हैं। सुखबीर पूर्व प्रधान भी है। इसमें इनके गाड़ी से काफ़ी सारा तांबा भी बरामद हुआ है। 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इस गिरोह के अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। दोनों ही घायलों को चिकित्सकीय उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर पुलिस के कर्मियों को घायल हुए? पुलिस ने द्वारा बीपी जैकेट का इस्तेमाल किया गया था, अपने को बचाते हुए फायर किया जिसमें 2 लोग इंजर्ड हो गए। गोली लगी थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।